Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from Miles Made Easy, and in this session we are going to focus on active passive voice. So basically, if I talk about active and passive, why do you need it? Firstly, you need to understand it. देखो active passive का ना IELTS में बहुत बड़ा रोल होता है. अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनाने आते तो आपको राइटिंग टास्क वन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक्टिव पैसिव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव पैसिव, तो इसके ना मेन फोर रूल्स होते हैं. अगर ये फोर रूल्स आप समझ गए तो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में आप इजिली कन्वर्ट कर पाओगे. ठीक है, ये मैं रूल्स बताती हूँ वन बाय वन आपको. So, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रूल है वो रूल होता है कि हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट. जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा. अब जिन्हें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है उनको मैं बता देती हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है मेरे पास, आई टीच माई स्टूडेंट्स. ठीक है, किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये आप ध्यान से समझो. हर एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. ये आई क्या है? ये सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट के लिए मैं एस या एस यू बी डॉट लिखूंगी. देन टीच क्या है? ये वर्ब है. ठीक है, देन माय स्टूडेंट्स क्या है? ये है ऑब्जेक्ट. अब जैसा कि मैंने बोला, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट. ठीक है, सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. अब कैसे होगा ये ध्यान से समझो. माय स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, मतलब कि सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा माय स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा आई. अब जो आई है उसको आई ही नहीं लिखते, हम उसे चेंज कर देते हैं और आई की जगह पे क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं मी. बाकी के रूल्स के साथ साथ इस पूरे सेंटेंस को मैं चेंज करके आपको दिखाऊंगी. नाउ सेकेंड रूल जो हमारा होता है एक्टिव पैसिव का, दैट रूल इज कि हमेशा एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. किसी भी एक्टिव सेंटेंस को अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो इतना ध्यान रखना कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव सेंटेंस में एवरी सिंगल टाइम. सो दैट इज द सेकेंड रूल. सो मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहां पर कर देते हैं टॉट. टीच की जगह क्या हो जाएगा? टॉट. ओके, ये हमारा है सेकेंड रूल. कमिंग टू द थर्ड रूल, एंड थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल की हर एक पैसिव सेंटेंस में बाय जरूर लगता है बिफोर द ऑब्जेक्ट. अब देखो हमने ये जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को एंड में कर दिया, ये हमारा फर्स्ट रूल था. सो इससे जस्ट पहले बाय लगेगा. ये हमारा थर्ड रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस का. सो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रूल हो गए. अब कौन सा रूल बचा? बचा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं. कैसे चेंज होते हैं वो मैं अभी आपको समझाने वाली हूं. हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज होते हैं. यहां पे था माय स्टूडेंट्स. अब माय स्टूडेंट्स पहले आ गया है, ये प्लूरल है तो ऑब्वियसली प्लूरल फॉर्म आएगी. I teach my students, अब ये क्या है? ये present tense है ना? Present tense है, simple present tense का एक sentence है. तो अब इसमें क्या change आता है? I teach my students की जगह my students are taught by me. तो ये है हमारे four rules active passive voice के. अगर आप ये four rules अच्छे से समझ लोगे तो कभी भी किसी भी active passive में आपको problem नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी. ठीक है, सो ये वाला पार्ट आई बिलीव आपको क्लियर हो गया. मैं आगे आपको समझाऊंगी कि कैसे
कौन कौन से टेंसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल सेंटेंस ओनली. सेंटेंस में यही रखूंगी इसको, बस प्रेजेंट सिंपल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना दूंगी और चेंज करके आपको मैं शो करूंगी कि कैसे आपने करना है. और इवन मोडल्स जब यूज होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, अगर वो वाला एक्टिव में सेंटेंस है, आई कैन टीच फॉर स्टूडेंट्स, सो वो कैन की जगह पे क्या होगा पैसिव स्ट्रक्चर में वो भी बताने वाली हूँ. बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताओ कि मैंने आपको किस तरीके से अभी ये फोर रूल्स को समझाया. एंड आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हो. अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आईएलटीएस की प्रिपरेशन में, आपको लग रहा है कि आप बहुत टाइम से बार बार एग्जाम दे रहे हो बट आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी एक मॉड्यूल में स्टक हो रहे हो तो पर्सनल वन ऑन वन असिस्टेंस लो आप हमारे थ्रू. सो यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो. आप कॉन्टैक्ट करो, यू विल गेट अ डेमो सेशन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड. आपको डे वन से ही इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगी. आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हो राइटिंग में, क्या गलतियां कर रहे हो स्पीकिंग में, दैट यू कैनॉट गेट टू नो इन अ ग्रुप क्लास वेयर देयर आर टोटल ऑफ 100 स्टूडेंट्स के बीच में आपको कैसे कोई बता सकता है कि भावना ये गलतियां आप कर रहे हो, प्रियंका दीज आर योर मिस्टेक्स, बरिंदर दीज आर योर मिस्टेक्स, नोबडी कैन टेल यू बिकॉज एवरी अदर स्टूडेंट ओवर देयर इन दैट सेशन इज कमिटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मिस्टेक्स, है ना. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस बिलो इफ यू वॉन्ट टू क्लियर योर एग्जाम विद इन दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स. पहले दे चुके हो पर नहीं हो रहा तो अब बस ये आपका लास्ट अटेम्प्ट होगा. जस्ट गो फॉर वन ऑन वन क्लासेस. आगे प्रोसीड करते हैं. अब हम मैंने आपको फोर रूल्स अच्छी तरह बताए है ना, मैंने आपको समझाया कि कैसे एक सेंटेंस आई टीच माय स्टूडेंट्स बन गया माय स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी. इसी तरीके से जब हम और टेंसेस पे आते हैं तो कैसे चेंजेस आएंगे. बट आई वॉन्ट कि मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो. सो आपके लिए प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन मैं दे रही हूं. फॉर मी द क्वेश्चन इज, ठीक है, द सेंटेंस इज आई teach my students and for you sentence मैं आपको दे रही हूं that I'm going to write down here that is I boil 10 cups of water. अब जिन्हें नहीं पता लगा ये सेंटेंस का, सबसे पहले मुझे आप कन्वर्ट करके दो पैसिव स्ट्रक्चर में राइट अवे इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि आपको ये समझ भी आया या नहीं. जिसे नहीं पता चला बस ध्यान इस चीज का रखो कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन में करो, ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करो, बाय जरूर ऐड करना और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो एज पर द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर. आई टीच माई स्टूडेंट्स का क्या हो गया था, चेंज हो गया था माई स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मी. बट अगर यही आई टीच माई स्टूडेंट्स की जगह हो जाए आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या चेंज आएगा, ध्यान से सुनो, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या चेंज आएगा, माई स्टूडेंट्स अब प्लूरल है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी. आर बीइंग टॉट बाय मी, आर बीइंग टॉट बाय मी. अब इसी सेम सेंटेंस को मैं करती हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज. ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है एंड दिस इज पैसिव. ध्यान से समझना, I was teaching my students. अब ये past में क्या हो जाएगा, I was teaching my students. तो उसमें change क्या आएगा, My students were being taught by me. Sorry यार, आज मेरी throat बहुत ज्यादा pain कर रही है. I don't know what happens. जब भी मैं grammar की video shoot करती हूँ, board पे video shoot करती हूँ, मुझे आज भी याद है जो मेरी 4th-5th वीडियो थी ना, वो मैंने बोर्ड पे शूट करी थी और उसमें मैं 8 वर्ड्स सिखा रही थी स्पीकिंग के. वो 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप आईएलटीएस के स्पीकिंग एग्जाम में यूज कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल.
वो वर्ड्स वाली जो वीडियो थी वो भी जब मैंने शूट करी थी माय थ्रोट वाज पेनिंग दैट डे एंड दैट इज गोइंग टू हिट समवेयर अराउंड 10 लाख व्यूज. अगर आप लोग भी ध्यान से उस वीडियो को देखोगे, आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक अबव, वो वीडियो भी जाके आप जरूर चेक करना. आपको पता चलेगा कि आज इस चैनल पे समवेयर अराउंड 700 वीडियोज है, बट जब ये चैनल हमने स्टार्ट करा था तो हमारी कितनी वीडियोस थी और कैसी वीडियो बनती थी और किस तरीके से था, तो यू जस्ट गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो. नाउ ये आपको समझ आ गया, पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स, और उसमें आ जाएगा माय स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय मी. ठीक है, सेम सेंटेंस, वर बीइंग टॉट बाय मी, आई वाज टीचिंग माय स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस. हमारा है पास्ट सिंपल. मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल तो बताया था. प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास क्या था, आई टीच माई स्टूडेंट्स. बट पास्ट सिंपल का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखना आप इसे ध्यान से देखना, आई टॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, टीच की टॉट माई स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, फिर बाय आएगा एंड फिर सब्जेक्ट आएगा. ये रूल होता है ना, बस ये रूल याद रख लो. ये हमारा जो है इट इज लाइक अ मूल मंत्र है ना, जैसे पंजाबी में होता है, ये मूल मंत्र है हमारे एक्टिव पैसिव का, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में विद द हेल्प ऑफ दिस आप चेंज कर सकते हो. तो माय स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे है टॉट माय स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स वर, क्योंकि पास्ट है तो आर की जगह वर आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आर आया था वर. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जो कि टॉट ही है, टॉट बाय मी. सो इस तरीके से हम चेंज करते हैं. ठीक है, अब नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया हमारा, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पे आते हैं. वो आप करके मुझे दिखाओगे, उसका एक मैं आपको एक हिंट जरूर देने वाली हूं. I have taught my students. Okay, I have taught my students. अब इसकी जगह पे क्या होगा, have की जगह पे have been लगना है. अब ये sentence आप मुझे comment section में बताओ, have की जगह पे have been आ जाएगा, बाकी आपको rule पता ही है. ये हमारा मेन रूल है जिसके बेसिस पे पैसिव सेंटेंस का रूल ये है. ठीक है, आई हैव टॉट माई स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर आई हैड टॉट माई स्टूडेंट्स की जगह पे क्या आएगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो. अब बेसिक्स तो मैं सारे क्लियर कर चुकी हूं, पर एक चीज आपने नोटिस करा होगा, कभी कभार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, खाली सब्जेक्ट और वर्ब होता है. फॉर एग्जाम्पल, Boil 10 cups of water, ठीक है, Boil 10 cups of water. जब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे हम करेंगे इसे, 10 cups of water, ठीक है, 10 cups of water are boiled. अब 10 cups है ना, तो 10 cups को क्या करा है, boil करा है, are boiled, 10 cups of water are boiled. ओके, या फिर कोई और सेंटेंस हो, 10 packets of Maggie, ठीक है, आर मेड, ठीक है, मेक 10 पैकेट ऑफ मैगी, 10 पैकेट ऑफ मैगी आर मेड. सो मतलब दैट मीन्स कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, बस ये वाला पार्ट वहां से हट जाता है, बाय और सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम रहता है. सो ये है हमारा एक्टिव एंड पैसिव. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे यूज करना है इसे, कहां यूज करना है. जब भी आप राइटिंग टास्क वन की बात करते हैं, तो राइटिंग टास्क वन में अगर आप प्रोसेस या फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, है ना, प्रोसेस या फ्लो चार्ट लिख रहे हो, तो उसमें हमें चलिए ये, उसमें पैसिव स्ट्रक्चर काफी ज्यादा यूज होता है. जब आप कोई भी एस्से लिख रहे हो, एस्से की पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, तो इस तरीके से पैराफ्रेजिंग करो,
इट हैज बीन डिबेटेड दैट ओके आगे वाला सेंटेंस आपका आएगा. सो डू इट लाइक दिस. नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपके पास मॉडल्स वाला कोई भी सेंटेंस आ जाता है, आई कैन टीच माई स्टूडेंट्स, आई कुड टीच माई स्टूडेंट्स, आई मे टीच माई स्टूडेंट्स, आई विल टीच माई स्टूडेंट्स, आई शुड टीच माई स्टूडेंट्स, आई ऑट टू टीच माई स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास मॉडल वाला, ठीक है, मॉडल वाला सेंटेंस आ जाता है तो वो क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे कैन बी, कुड बी, मे बी, विल बी एड हो जाएगा. बस मॉडल के साथ बी एड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहने वाला है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही रहेगी, बाय वही रहेगा एंड सब्जेक्ट वही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द वे हम मॉडल्स में भी पैसिव स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. इतना ध्यान रखना, जब भी किसी एक्टिव सेंटेंस में आए हैं तो वो पैसिव में मी हो जाएगा, अगर ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को आपने ध्यान रखना है एंड यू विल इजिली डू, यू विल बी एबल टू डू इट इजिली, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है. तो ये है हमारा एक्टिव पैसिव का रूल. अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि कैसे आपने एक्टिव पैसिव को प्रॉपरली यूज करना है, कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर आईएलटीएस एग्जाम डिस्पाइट मेनी अटेम्प्ट्स, सिंपली कॉन्टैक्ट अस फॉर वन ऑन वन क्लासेस. उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम विद इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड सत श्री अकाल.